नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो गए। इसी कड़ी में सिंगू बॉर्डर पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। अब 27 अगस्त के 2 सत्र में महिला, छात्र और युवाओं को लेकर चर्चा होगी। अधिवेशन में 20 राज्यों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिसमें किसान आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सिंगू बॉर्डर के अलावा टिकरी बॉर्डर पर भी एक बार फिर किसानों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 2 तस्वीर आपके सामने हैं। पहली तस्वीर सिंगू बॉर्डर की है, तो वही दूसरी ओर टिकरी बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से महिलाओं का भी यहां पर सैलाब जो है वो उमड़ चुका है, क्योंकि किसानों की यही जिद है कि अगर ये तीनों कानून रद्द नहीं होंगे तब तक कि तमाम किसान अपने स्थान पर वैसे ही अधिक रहेंगे जैसे किसान आंदोलन के पहले महीने में जो तस्वीरें सामने आई थी। तो सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर लगातार किसान संगठन के लोग यहां पर बैठे हुए हैं और जमकर विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर किसान नेताओं ने कहा है कि अब किसान आंदोलन लोकतंत्र को बचाने का भी आंदोलन बन गया है। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि अब मिशन उत्तर प्रदेश को पूरा करना है। वही किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि इस आंदोलन में पंजाब, हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश के किसान शामिल हैं। मुद्दों को भी डिस्कस किया जाएगा और आंदोलन को विशाल कैसे बनाया जाए, पूरे देश में लाके कैसे दिया जाए, यूपी मिशन को कामयाब कैसे किया जाए, वहाँ बीजेपी का बॉयकॉट करना, टोल प्लाजों को खोल देना और पूरे यूपी में अडानी, अंबानी और कॉरपोरेट जो वो हैं उनको, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बॉयकॉट करने के लिए एक पूरा आंदोलन को जड़ों से लेकर एक पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक कामयाब करना, ये काफ़ी नहीं है। पंजाब में लोगों ने संघर्ष करके 360 रुपये प्रति क्विंटल करा लिया, SAP भी बढ़ा है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट नाकाफ़ी है। ये MSP में जो हम मांगते हैं कॉस्ट प्लस 50%, वो नहीं दे रहे। बार बार किसान आंदोलन के बारे में इस तरह की अफवाह फैलाई जाती थी कि भाई ये तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोग हैं। इस सम्मेलन में देश भर से किसान नेता, ये जो देश भर के किसानों की एकता का आप सम्मेलन देखेंगे, देखिए ये जो आप देख रहे हैं KRRS, कर्नाटका राज्य रैयत संघ, कर्नाटका का सबसे बड़े किसानों का जो पिछले 30 साल से चलता हुआ आंदोलन है, उसके प्रतिनिधि हमारे बीच हैं। हमारे साथ ये उड़ीसा के, पश्चिमी उड़ीसा की तमाम किसानों का जो संगठन है उसके प्रतिनिधि आए हैं। आप देखेंगे देश भर के किसानों के प्रतिनिधि आए हैं। एक संघर्ष है, एकता के साथ इसमें सरकार को झुकाने का संकल्प लेके आए हैं। अब तक ये आंदोलन देखा जाता था सिर्फ किसानों के लिए कानून रद्द करवाने का है, अब ये आंदोलन इस देश में लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, देश की एकता कायम करने का आंदोलन है। थोड़ी है ये तो विरोध करने का तरीका है। जो पार्टी हमारा नुकसान करेगी तो सीधी सी बात है हम उसको वोट क्यों डालेंगे, उसका तो हम विरोध करेंगे ही। और वो जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होगा BJP का विरोध तो होगा ही सभी जगह। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य में किसानों को हिस्सेदारी कर लेनी चाहिए, और क्या चारा बचा जो को मानते ही को सुनते ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और अब आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी, इस बारे में भी हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की, जरा सुनिए। हमारे साथ किसान नेता मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि किस हिसाब से तैयारियां हैं। महाधिवेशन 2 दिन का है, तो महाधिवेशन में टिकैत साहब क्या कुछ होने वाला है? तैयारी है सब, आप अपने विचार यहाँ पर रखेंगे क्योंकि ये पहली बार हो रहा। पहली बार तो अलग अलग बॉर्डर पे अलग अलग संगठन इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन ये हो रहा कि सब लोग आएंगे, अपने विचार रखेंगे। इसमें 9 महीने पूरे हो गए, विचार में अब क्या विचार ही रहेगा या 9 महीने के बाद से कोई एक्शन भी मूड होगा? क्या होगा, ये एक्शन ही तो है, इससे ज्यादा क्या एक्शन होगा। 9 महीने आंदोलन चल रहा है तो ये एक्शन ही तो है। आगे की प्लानिंग क्या रहने वाली है, क्या जहाँ जहाँ अपना शांति से बैठो, ये किसान तो वापसी जाने वाला है नहीं, कब तक बैठा रहेगा? सलूशन भी तो चाहिए, सरकार चाहेगी, सलूशन नहीं मिलेगा जब तक सरकार निकाल देगी।
कब तक निकालेगी उम्मीद तो सरकार बताएगी, हमें कुछ नहीं पता। उस किसान फिर क्या करेगा, कैसे बैठा रहेगा? किसान ऐसे ही बैठा रहेगा, क्या करेगा किसान? किसान का भी घर है, बार है, कैसे उनका चलेगा? शिफ्ट वाइज अपना ड्यूटी देते रहेंगे, शिफ्ट वाइज करते रहेंगे। बिल्कुल। खेती कैसे होगा, अनाज कैसे होगा, बाकी लोग होते रहते हैं, बाकी लोग को अनाज कैसे मिलेगा? वो मिलेगा सब, कोई चिंता, देश को अनाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या प्लानिंग है आपकी, जहाँ जहाँ स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन? पूरे देश में जाएंगे, जहाँ चुनाव है वहाँ पे भी, जहाँ चुनाव है वहाँ पे भी नहीं। हम तमिलनाडु में तो चुनाव है नहीं, चार दिन रहे हम वहाँ पे, तमिलनाडु के यहाँ पे। लेकिन प्लानिंग क्या रहेगी, क्या बीजेपी को आप डिफीट करने की प्लानिंग है? नहीं, हमारे तो सरकार की जो पॉलिसी है उसको डिफीट कर देंगे, बीजेपी की तो सरकार ही नहीं है देश में। अधिवेशन में मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है? यही मुद्दे रहेंगे कि कैसे देश बचे, तीन कानून से अलग भी देश कैसे बचे। बच्चों के स्टेडियम तक बेच दिए, सब जमीनें बेच दी, क्या होगा आने वाले टाइम पे? यानी बेचने के खिलाफ भी आप जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, हमारी प्रॉपर्टी है, क्यों बेच देगा कोई? चलिए, तो ये तो है, टिकट का सब कहना है कि जो सरकार तमाम बेचने वाले कार्यक्रम कर रही है उसके विरोध में भी हम आगाज करने जा रहे हैं, और अधिवेशन में जिस हिसाब से आगाज होगा उसी आगाज के साथ ही परवाज भी चढ़ाया जाएगा। कैमरामैन अंकित के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सिंह बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ मजदूर संगठनों की मांगों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झज्जर के ज्वारली में कंपनी कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी खोलने एवं पैक्स कर्मचारियों को एक्सग्रेसिया का लाभ देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ज्वारली क्षेत्र में राष्ट्रीय पावर प्लांट के अलावा कई कंपनियों के उद्योग हैं जिनमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी कार्य करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में ईएसआई डिस्पेंसरी खोलना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों की तर्ज पर ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का वेतन हर माह सुनिश्चित करने के लिए कोष की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से उन्हें समय पर वेतन मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिए अलग से फंड जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जन स्वास्थ्य विभाग के कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए टर्म अपॉइंटिस कर्मचारियों को पदनामित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विद्युत बोर्ड के अनुबंधित कर्मचारियों से कोई हादसा होने पर एक तरफा जांच न कर कर्मचारी को अंतिम सुनवाई का अवसर दिए जाने के निर्देश भी दिए। हरियाणा में श्रम कानूनों में बदलाव किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों में बदलाव से पहले मजदूर संघ एवं औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के सुझाव लिए जाए, ताकि मजदूरों के लिए बनाए जाने वाले कानून मजदूर हितैषी हों। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश का न्यूनतम बेसिक डीसी रेट निर्धारित होगा, इसके अलावा एनसीआर क्षेत्र एवं दूसरे जिलों में कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए स्लैब बनाकर नए डीसी रेट तय किए जाएंगे। डीसी रेट में महंगाई दूर के दर के अनुसार वृद्धि होती रहेगी। उन्होंने कहा कि आढ़तियों की तरह यदि कोई पैक्स लाइसेंस लेना चाहता है तो मार्केटिंग बोर्ड उन्हें अनुमति प्रदान करेगा। बैठक में पैक्स कर्मचारियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली गई। मजदूर संघ ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के कल्याण हेतु गठित कौशल रोजगार विकास निगम एवं असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया है। और भाई, गुरुग्राम में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कर्मचारी वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों की बैठक ली है। इस बैठक में कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग निर्माण में लगे मजदूरों का उत्थान और उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके, इसके लिए मंथन किया गया। बैठक में अधिकारियों से और सदस्यों से सुझाव लिए गए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गुरुग्राम में करीब लगभग 12.5 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन सभी मजदूरों को बेहतर सुविधा और स्किल डेवलपमेंट की भी शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी बोर्ड की तरफ से काम किया जा रहा है। साथ ही कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में लगे मजदूरों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए गुरुग्राम में 500 बेड की ईएसआई अस्पताल भी बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, बिल्डिंग में, सड़कों में काम करते हैं, उनकी अगर कोई स्किल इंप्रूवमेंट की ट्रेनिंग और दूसरी लोकेशन पे हो तो उसके लाने जवाने का खर्चा भी बोर्ड का है। तो डिपार्टमेंट को बोल दिया गया है कि 10 दिन के अंदर इसके ऊपर अपनी एक तैयारी करके बताएं। दूसरा, क्योंकि अब बेसिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट
सीमित हो चुके हैं और पहले 8,500 रुपया कंस्ट्रक्शन में आने वाले कोई भी इक्विपमेंट की परचेज के लिए बोर्ड के मेंबरों को देते थे, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं। तो ये एक सुझाव बोर्ड के पास आया है जिसको बोर्ड ने अप्रूव किया है। वही गुरुग्राम में बारिश से होने वाले जल भराव को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि इस बार पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा बारिश हुई, जल भराव की समस्या अब कम हो चुकी है। सरकार की कोशिश गुरुग्राम से जल भराव की समस्या को बिल्कुल खत्म करने की है। देखिए, पिछले वर्ष 112 mm बारिश आने पर गुड़गांव भरा हुआ था, इस बार 188 mm बारिश के बावजूद भी पहले से इम्प्रूवमेंट आई है, मगर परफेक्शन नहीं आई। और ये इसीलिए है कि अनप्लान डेवलपमेंट कई इलाकों में, एक सबसे बड़ी समस्या जो पहले गुरुग्राम में आती थी वो ये थी कि जो हमारे ड्रेन थी गुड़गांव से दौलताबाद बादशाहपुर होते हुए जाती थी, उसमें एक किसी व्यक्ति ने कोर्ट केस कर रखा था, वो शुरू करेंगे। और जैसे ही उसका ऑक्शन प्रोसेस शुरू होगा, मुझे लगता है कि जो समस्या थी इससे लोगों को निजात। कोरोना पर नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर सदन में जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी से हरियाणा में एक भी मौत नहीं होने वाले सीएम के बयान पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए। ये जो साल गुजरा, कोरोना आया, बड़ी भारी सारी दुनिया में आया, सबको दिक्कत हुई, हमारे यहाँ भी, वी कांट बी एक्सेप्शन, सबको बहुत ज्यादा मुसीबतें पड़ रही, प्रयास भी किए, लेकिन हमने उससे सीख क्या ली? पहली वेव से दूसरी वेव तक कोई तैयारी नहीं करी, अब ये कह रहे हैं तीसरी वेव आएगी, नीति आयोग वाले कह रहे हैं वो तो यहां तक चलेगा, रोज के 4 लाख केस होंगे, अब क्या तैयारी है इनकी? कितने तो पैरामेडिकल स्टाफ इन्हें भर्ती किए, कितने डॉक्टर भर्ती किए, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर किया, कितने और बेड एड किए, ऐसा विधानसभा में इनको बताना चाहिए साहब, हमने इतने तैयारी की है, लेकिन बताएंगे क्या? बताने के पास कुछ है ही नहीं इनके पास। ऑक्सीजन की बात आए तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया भाई एक आदमी भी नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से, जबकि पूरे अखबार भरे, या तो आपके अखबार झूठे भाई या हम झूठे, कौन झूठा है? ये तो कोई हाई लेवल ही इंक्वायरी साबित कर सकती है ना, कितने अखबार है भाई, ये देखो आप लोगों के भरे, जनता में ये आप लोगों के अखबार भरे पड़े हैं ऑक्सीजन की कमी से मरे, या तो कौन बताओ कौन से अखबार आपके झूठे या हम झूठे भाई या वो झूठे? झूठा तो मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन गुमराह हाउस को करना अच्छी बात नहीं। चलो, उन्होंने अब कमेटी बनाई है, उस सत्रीय कमेटी अब तक तो कोई नाम आए नहीं तो इतनी देर में तो काम शुरू होना चाहिए, तुरंत उसका गठन करके इस बात की जांच कराई जाए और पूरा एडवर्टाइजमेंट कराया जाए। और वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र 1 हफ्ते का होना चाहिए था, साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में मुद्दे उठाने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय दिया गया जो बहुत कम था, ऐसे में जनता से जुड़े मुद्दे सदन में नहीं उठ पाए। कहा से बहुत मुद्दे थे, जैसे मैंने कहा था शुरू में कि भाई बहुत कम समय है, लेकिन मेजोरिटी अथॉरिटी में तो अकेला था बीएसी में, मैं कहा 1 हफ्ता तो चलाओ, और हमने निवेदन किया, मैंने आभार भी व्यक्त किया स्पीकर साहब का, भी 0 आवर शुरू करो ताकि कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाने ही मिल जाए। उन्होंने एक नया किस्म का 0 आवर बना दिया जो हमने कभी सुना ही नहीं, कि 3-3 मिनट बोलेंगे आज अखबार में, इतने आदमियों ने कहा 3 मिनट में व्याख्या है, वो ज्वलंत मुद्दा बताया जाएगा क्या? कभी नहीं कहीं देखा मैंने भाई 0 आवर में 3-3 मिनट का, ये तो एक मतलब टकराने वाली बात होगी, गलत है। मैं तो इसी बात से असेंबली में कह दिया भाई, इसी बात से मैंने कह दिया भाई इससे अच्छा तो ना है, कभी हम उठकर रोड़ा तो कर लेंगे हैं। और भाई हुड्डा ने कहा है कि सरकार में मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं किया, इस सरकार का एक ही काम सर्वे सर्वे और सर्वेलेंस,
गरीब लोगों के लिए एक भी काम नहीं हुआ, सीएमआई को या कांग्रेस की एजेंसी बताते हैं, लेकिन नीति आयोग ने जो आंकड़े पेश किए वो सही नहीं है। हरियाणा जो है आर्थिक तौर पे क्राइम के उसमें, महंगाई में, बेरोजगारी में, देश में सबसे जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था, आज वो प्रदेश हर चीज में नीचे खिसक रहा है। 5 साल हो गए सरकार को बने, और पीछे बीजेपी जेजेपी को भी 2 साल हो गए। इनका घोषणा पत्र देखो, इनका जो कहता है हमारा कॉमन मैनिफेस्टो हम बनाएंगे, उसमें से एक भी कोई वायदा इन्होंने पूरा किया हो। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, घोषणाएं करते हैं। यह है 5 सितंबर 2019 का दुष्यंत चौटाला, शर्मनाक आंकड़े। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा देश में सबसे आगे नंबर एक पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री खट्टर एक और तो हरियाणा की नौकरियों, हरियाणा से बाहर वालों को दे रहे हैं, दूसरी ओर हरियाणा की बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सबसे ऊंची दर 28.7% पर पहुंच गया। अब कैसे परिभाषा बदल गई भैया, अब ये कैसे हो गया? वो पुलिस महकमे में हूँ, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, एजुकेशन की डिपार्टमेंट की हो, लाखों जगहें खाली पड़ी है, कोई निकालेंगे जगह, विड्रॉ कर लेंगे। जैसे गीता जी ने विधानसभा में बताया, किसी यूनिवर्सिटी में कोई वो नहीं हुई। जो लुटाई ये पेपर लीक में हुई है हरियाणा के युवाओं की, जैसे हमने मांग की कि भाई सीबीआई की जांच कराओ आप, मैं ये समझ से बाहर है कि इनको कोई है ही नहीं। ये कहता भाई ठीक है, ये तो वो है, तो सीबीआई की जांच कराने में क्या संकोच है इनको? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है जो संकोच कर रहे हैं। सीबीआई की इंक्वायरी एक इशू है, दूसरा अभी जाके बाकायदा पब्लिसिटी पे तो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैक्सीनेशन की। हरियाणा में शुक्रवार से मेगा वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में अब तक 1,51,54,158 डोज लगाई गई हैं। अब तक 1,51,54,158 डोज लगाई गई हैं। 1,14,68,739 लोगों को लगी है पहली डोज, 36,85,419 लोगों को लगी है दूसरी डोज। ऐसे में आपको ये भी जानकारी दें कि जब 1 करोड़ से अधिक लोगों को डोज लग चुकी है, 36,85,419 लोगों को दूसरी डोज भी लग गई है। 18 से 44 आयु वर्ग के 70,79,618 लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा, नौ में सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि प्रदेश में किन जिलों में कितने लोगों को अब तक टीका लगा है, कहां कितने टीके लगे हैं। अब देखिए, आप गुरुग्राम में आप देखिए किस तरीके से 22,48,592, अंबाला में 9,79,661, सोनीपत की बात करें तो 8,53,765 और करनाल में 8 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हिसार की बात कर ले तो 7 लाख से अधिक, सिरसा में 6,35,970, यमुनानगर में 6,36,869 और भिवानी में 5,93,847 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। फतेहाबाद की बात करें तो 4,64,872, चरखीदादरी में 4,21,021, छछर में 5,60,149 और जींद में 4,68,242 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है इन तमाम जिलों में।
कैथल की बात करें तो 4,74,895, कुरुक्षेत्र में 5,08,870, महेंद्रगढ़ में 5,12,148 और पलवल की बात कर लें तो 4,62,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पंचकुला 5,04,715, पानीपत में 5,38,073, रेवाड़ी की बात करें तो 5,24,146 और रोहतक में 5,50,023 लोगों को लगी है वैक्सीन। नूह की बात कर ले तो 2,02,084, यानी कि सबसे कम अगर हम बात करें तो 2,02,084 नूह में वैक्सीन लगाई गई है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।